नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक बिजनेस में। आज हम बात करेंगे बर्गर किंग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन नंबर की। यह आईपीओ 156.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है और इस आईपीओ का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो यह आईपीओ में हमको कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा, यह आईपीओ किस प्रीमियम के साथ लिस्ट होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम वीडियो के और आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। बर्गर किंग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डिटेल की हम बात करेंगे डे बाय डे की। इसके बाद हम आपको इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात बताएंगे कि यह आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग किस प्रीमियम के साथ होंगी इस आईपीओ की, और लिस्टिंग पे हमको इस आईपीओ में कितना पैसा बनेगा, लिस्टिंग पे इस आईपीओ को रखना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए, उसी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन नंबर की। ये आईपीओ जो ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ है ये 156.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यह आईपीओ की जो बिडें आई हैं यह बिडें 68.15 टाइम्स इसके रिटेल पोर्शन में बिडें आई हैं। 86.65 टाइम्स का इसको इशू जो साइज था ये क्यूआईबी कोटे में, साथ ही 354.11 टाइम्स का इशू साइज जो इसका नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 4 दिसंबर 2020 को 5 बजे तक के यह आईपीओ का नंबर आया हुआ है। अब हम इसकी डेट देखते हैं तो इसमें 2 दिसंबर 2020 को जो इसका सब्सक्रिप्शन का नंबर आया हुआ है, ये क्यूआईबी कैटेगरी में 0.15 टाइम्स यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद एनआईआई कैटेगरी में 0.71 टाइम्स यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 15.54 टाइम्स यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन का जो नंबर आया 3.13 टाइम्स यह आईपीओ 2 दिसंबर 2020 को यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, मतलब कि पहले दिन ही यह आईपीओ का पूरा माल बिक गया। बात करते हैं 3 दिसंबर 2020 को शाम के 5 बजे के आसपास, तो क्यूआईबी कैटेगरी में इसमें शानदार बिड़े देखने को मिली जो कि 2.70 टाइम्स यह आईपीओ फुली सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद एनआईआई कैटेगरी में 3.61 टाइम्स यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में 37.84 टाइम्स की इसमें शानदार बिडे देखने को मिली और टोटल इसका जो सब्सक्रिप्शन का नंबर आया ये 9.38 टाइम्स यह आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ। 4 दिसंबर 2020 की हम बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में शानदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखने को मिला जो कि 86.64 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड यह आईपीओ हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 354.11 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड यह आईपीओ हुआ। रिटेल कैटेगरी में 68.15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड यह आईपीओ हुआ। टोटल इसका सब्सक्रिप्शन का जो नंबर निकल के आया यह 156.65 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है आईपीओ। हमको सब्सक्राइब होता शेयर हुआ बाजार नजर आ में रहा है। रेगुलर इनकम करना चाहते हैं, शानदार प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप शेयर बाजार की हाई प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आप इसको लीजिए। यह स्ट्रैटेजी शानदार प्रॉफिट देने के लिए जानी जाती है। इस स्ट्रैटेजी का लाइव प्रूफ आपको स्टॉक बिज एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे यह स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। शेयर बाजार में हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो अपना सारा कैपिटल स्टॉक मार्केट में लॉस कर देता है, नुकसान कर देता है। इसलिए हमने यह स्ट्रैटेजी निकाली है, यह फार्मूला हमने आपके लिए लेके आया है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे में आप शानदार प्रॉफिट ले सकते हो। इंट्राडे के अंदर आप इसमें 1 से लेके 5% का शानदार प्रॉफिट ले सकते हो। शॉर्ट टर्म होल्डिंग, मिड टर्म होल्डिंग में आप इसमें 5 से लेके 10% का प्रॉफिट गेन ले सकते हो। अगर आप इसमें मल्टीपल स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहते हो तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप मल्टीपल स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो, जिसमें आपको एफडी के जैसे आप स्टॉक्स को इसमें रख सकते हो और इसमें आपका जो प्रॉफिट है 50%, 100%, 200% से ऊपर आपको स्टॉक का प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप इक्विटी फ्यूचर इक्विटी ऑप्शन में काम करने में इंटरेस्टेड है तो इस फार्मूले में आपको इक्विटी फ्यूचर इक्विटी ऑप्शन में आप किस प्रकार से काम कर सकते हो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज दिया गया है, पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज बताया गया है। अगर आप इंडेक्स के अंदर काम करना चाहते हो तो इंडेक्स के लिए भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, यह स्ट्रेटेजी भी आपको इसी पैकेज में देखने को मिलेंगी। आप इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में आप इसमें डेली वर्किंग करके आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, शानदार अर्निंग कर सकते हो। निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर में आप किस प्रकार से काम कर सकते हो इसके बारे में पूरा बताया गया है। निफ्टी ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन में आप रेगुलर ट्रेड करके किस प्रकार से शानदार अर्निंग कर सकते हैं उसी पूरी जानकारी आपको इस रिसर्च में फॉर्म ये में भी बताई बताया गई गया है। है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी में मिनिमम रिस्क लेके
मतलब कि 5,000 से 10,000 रुपये की प्रीमियम का आप रिस्क लेके इसमें 50,000 से 1 लाख या 2 लाख कैसे कमा सकते हो, उसके बारे में भी पूरी जानकारी बताई गई है। अगर आप शेयर बाज़ार का ये फार्मूला सीखना चाहते हो, ये स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो, तो यह स्ट्रेटेजी स्टॉक बिजनेस शेयर एप्लीकेशन बाजार के की ऊपर सुपर अर्निंग एप्लीकेशन रिसर्च है। में 3 महीने से 6 महीने के अंदर 100% का प्रॉफिट देखने को मिला है। यह स्ट्रेटेजी जो है ये मल्टीपल स्टॉक सिलेक्शन की रिसर्च है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट देखने को मिला है। यह रिसर्च स्टॉक बिज एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आप स्टॉक बिज एप्लीकेशन को इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आप आईफोन का यूज़ करते हो, तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड में SBZ टाइप करके लॉग इन करना होगा। SBZ लॉग इन करने के बाद आप यह सुपर अर्निंग रिसर्च को सीख सकते हो और शानदार अपने नॉलेज को परफेक्ट कर मतलब कि सकते हो। बर्गर किंग के आईपीओ में जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। यह आईपीओ में शानदार तेजी देखने को मिली और यह आईपीओ में अच्छी खासी भीड़ें आई हुई हैं। अब यह आईपीओ का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने में मिलता है, काफ़ी शानदार इसके अंदर बढ़त देखने को मिली। अब बात करते हैं बर्गर किंग आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि इसका इस समय करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो जैसे कि इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 2500 से 30 रुपये का चल रहा था, लेकिन अभी इसका जो हाल ही में करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ये 3200 से 3500 रुपये का निकल के आ गया है। मतलब कि इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम में शानदार पाँच तेजी देखने दिसंबर को दो मिली हज़ार है। बीस को बर्गर किंग आईपीओ का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ये 34 से 35 रुपीज़ का चल रहा है। मतलब कि डब्बा बाजार में जो इसका प्राइस है, ये 34 से 35 का है, और इसका जो लॉट साइज़ है ये 250 शेयर्स का है। तो हम इसमें जो प्रॉफिट हम देखते हैं कि इस आईपीओ में हमारा कितना प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा, तो उसके हम कैलकुलेशन करके बर्गर आपको किंग बताते आईपीओ हैं। के लोअर ग्रे मार्केट प्रीमियम 34 और इसका लॉट साइज 250 को हम काउंट करते हैं, तो इसमें हमको सिंगल लॉट में 8,500 रुपीज़ बनते हुए नज़र आते हैं। और हम इसमें अपर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इसका 35 का चल रहा है, तो और इसका लॉट साइज 250 शेयर्स का है, मतलब कि एक लॉट में इसके 250 शेयर्स है, तो इस आईपीओ में हमारे 8,750 रुपीज़ बनते हुए नज़र आते हैं। मतलब कि इस आईपीओ में हमको 8,500 से लेके 8,750 रुपये तक के बनते हुए नज़र आते हैं। बात करते हैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेंद पे हमको रखना चाहिए या इसको बेच के निकल जाना इसके चाहिए। लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपना जो इसमें प्रॉफिट सोच के रखा होगा कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट चाहिए, तो आप अपने प्रॉफिट के आसपास का इसमें आप स्टॉप लॉस को मेंशन कीजिए। उसके बाद आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और अपने स्टॉप लॉस को आप आगे बढ़ाते रहिए। जब जब ये शेयर आगे जाएगा तो आप अपने प्रॉफिट को इसमें आगे शिफ्ट करते हुए इसमें बने रहिए। जब आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेके इस आईपीओ से बाहर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस आईपीओ में शानदार अर्निंग कर सकते हो, शानदार बेनिफिट कमा सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर में शेयर बाजार से संबंधित आपको जानकारी मिल सके। तो बने रहिए स्टॉक बिजनेस के साथ। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।